कचड़ा। बीते दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को कटरा में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला रियासी प्रधान पिंकी शर्मा, उप प्रधान कामिनी शर्मा, सदस्य मधु शर्मा आदि ने 2 मिनट का मौन धारण कर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, अगर चीन ने भारत की 1 इंच भी भूमि पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि यह 1962 वाला देश नहीं बल्कि आधुनिक 2020 वाला देश है। महिला मोर्चा के सदस्यों ने कहा, चीन हो या पाकिस्तान, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने की हिमाकत ना करे वरना गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिला मोर्चा के सदस्यों ने कहा, केंद्र सरकार चीन को करारा जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, अगर दोबारा चीन ने इस तरह की हिमाकत की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है, इस पर कार्रवाई शुरू हो गई, जल्द ही चीन को इसका एहसास हो जाएगा। मैं मधु, कटरा महिला मोर्चा के एक सदस्य, यहाँ पे आज अपनी तरफ से भव्यपूर्ण श्रद्धांजलि अपने सैनिकों को देना चाहती हूँ। चीन की कायराना हरकत देख के जो गलवान में हुई है, हम अपने भारतीय सेना के साथ, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो इंडियन आर्मी। मैं पिंकी शर्मा, रियासी जिला की महिला मोर्चा की प्रधान। आज हमने जो हमारे वीर सैनिक लद्दाख के गलवान वैली में शहीद हुए हैं, आज हम सभी बहनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। ये चीन की बहुत ही कायराना हरकत है जो उन्होंने हमारे जवानों के साथ किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।